आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी ने देखा होगा लास्ट 24 घंटे में बड़े बड़े ट्विटर के अकाउंट जो है वो हैक कर लिए गए हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बिल गेट्स जो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, हैक कर लिए गए हैं। उसी तरह क्यों हैक किया गया, वही हैकर हैक कर पैसा की डिमांड करता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसी तरह आपने देखा होगा एक चैनल था यूट्यूब के ऊपर एग्जामपुर, इनका अकाउंट भी जो है यूट्यूब का वो हैक कर लिया गया है। और एक हेल्प आपका चाहिए इस वीडियो में, और उम्मीद है जो भी मुझसे पढ़ते हैं वो कम से कम हैक हेल्प करेंगे। अब आप बोलेंगे भैया आप पढ़ाते हैं आपको क्या फर्क पड़ता है, छोड़िए ना उनका डूबा है ना। एक बात समझो, जैसे आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, इतना सारा मोटिवेशन, इतने सारे बच्चे बोलते हैं भैया आपसे पढ़कर यहां पर ज्वाइनिंग हो गया, यहां पर ज्वाइनिंग हो गया। तो अगर एक टीचर आपको इतना पढ़ा रहा है, तो आज अगर एक टीचर मुसीबत में है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सभी सपोर्ट करो, ठीक है। क्योंकि आप ये भी सोचो ना, आप मुझसे पढ़ रहे हैं उसी तरह कितने सारे बच्चे उनसे भी पढ़ रहे होंगे, तो उन वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो स्टूडेंट हैं। तो पहले बोलूंगा इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी कोई के साथ जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं। बाकी के साथ शेयर कर कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर वे में उनको समझ में आएगा। आपको पता है ना, जैसे मान लो मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, अकेला 6-6 घंटा क्लास देता हूं, 6 क्लास यानी 10-10 घंटा काम करते हैं। पहले दो टीचर थे लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ रहे, मैंने खुद मना कर दिया, जब सर जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसके बाद आइएगा। उसी तरह एग्जामपुर में कितने सारे टीचर आप सभी को दिन रात एक कर आपके भविष्य के लिए पढ़ा रहे हैं। और मान लो हम लोग जो है वो किसके वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से ना। अगर मान लो हम सभी को बनाया किसने, आप सभी ने बनाया। अगर हमको कुछ हो जाता है, मान लो अगर हम कल गिर गए तो संभालेगा कौन, आप ही संभालेंगे ना, आप ही का सपोर्ट का जरूरत है, ठीक है। तो करना क्या है आप सभी को, मैं नॉर्मल सा चीज बता दे रहा हूं और प्लीज करिएगा, क्योंकि सारे टीचर अपने कैरियर को दांव पर लगाकर आप सभी को पढ़ा रहे हैं आपके भविष्य के लिए। तो इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज ये चीज जरूर करिएगा। जैसे मान लो एग्जाम होता है, एनटीपीसी एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आप ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाते हैं ना, तो एक बार और आपका जरूरत है बहुत ज्यादा। आपको करना क्या है ना, देखो आपको ये हैश, जो ये हैशटैग है ये ट्रेंड करवाना है ट्विटर के ऊपर। क्या हैशटैग है अच्छे से देख लो, BRING, ब्रिंग बैक BACK एग्जाम्पुर, ठीक। ये चीज आपको ट्रेंड करवाना है, अच्छे से एक बार और देख लीजिए ब्रिंग बैक एग्जाम्पुर। और जैसे आप रेलवे का कोई भी हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं तो वो किसको बताते हैं, रेल मंत्रालय को बताते हैं ना। तो ये चीज आप किसको बताएंगे, किसको, तो ये आप @ ये चीज आप किसको बता रहे हैं तो उनका भी डाल दीजिएगा नाम @YT Creator, ठीक, ये लिख लीजिएगा YT Creators। उसके बाद और किसको बता रहे हैं, YouTube India, इनको बता रहे हैं, प्लस @YT Creator India। एक बार मैं नाम देख ले रहा हूं क्या है आपका, YT Creator India, बिल्कुल YT Creators India। इनको आप प्लीज जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये हैशटैग आप ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराना, क्योंकि बहुत सारे टीचर का लाइफ का सवाल है। और बस टीचर का नहीं, टीचर तो कहीं पर भी खड़ा होकर पढ़ा देगा, क्या है अगर मान लो चैनल नहीं है और टैलेंट मेरे अंदर है तो 100 बच्चे कभी भी पढ़ लेंगे, सारा जिंदगी कट जाएगा वो भी मौज में। लेकिन यहां पर लाइफ का सवाल है बच्चों का, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, उनके लिए सवाल है, ठीक है। तो सपोर्ट करना बनता है यार, ठीक है ना। तो कम से कम आपका सपोर्ट का जरूरत है आज। अगर मान लो कोई टीचर, अगर मान लो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अगर मान लो ये चेयर है ना, और ये चेयर में चार क्या होता है, पैर होता है ना, चार पैर है, तो अगर टीचर उस चेयर पर बैठा हुआ है तो वो चारों पैर, चारों का चारों पैर किसका है, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स का पैर है। अगर मान लो कोई जानबूझकर हमको गिरा दिया बाहर से आकर, तो फिर से उसको खड़ा कौन करेगा, आप ही सभी खड़ा करेंगे ना, आपका सपोर्ट का जरूरत है। क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट ने एग्जाम निकाला होगा बताइए, समझ रहे हैं। तो कम से कम ये सपोर्ट आपके तरफ से हमें चाहिए, ये चीज, ठीक है। बाकी आप सभी जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ
अपने मम्मी और पापा के, जैसे हमेशा तरह बोलता हूँ, ठीक है, चलिए।